नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे
जे सतगुर नदर करे। गुरचरण सिकंद, गुरचरण सिकंद। जब से गुरदासपुरों आया सुबह शाम बस उसी दा नाम जपे जा रहा है। भी मामा जी आपके तो यार है ना, बस एक बारी मीटिंग करवा दो। ओए पुत्र किसी दा यार नहीं गुरचरण सिकंद, जादू की छड़ी नहीं है वो। गुरचरण सिकंद को ना ये कलम याद होगी ना तू, तो तू भी भूल जाए पागलपन। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਅਕਲ ਆਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸੀ ਇੱਟ ਦੀ ਪੱਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਚਾਲਾ ਬੁੱਢਾ ਰੋਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਇੱਕੋ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ। ਉਸੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਟੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੱਖ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਬਣ, ਯਾਦ ਰੱਖ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਲਿਖ।
चेयरमैन मिस्टर गुरचरण सिकंद। अट्ठाईस साल पहले दोनों पक्के यार थे, गुरदासपुरों दिल्ली एक साथ आए। अब देखो गुरचरण सिकंद कितना ऊंचा उठ गया है। एंड फाइनली द रीजन व्हाई वी आर हियर, द न्यूली अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सूर्या सिकंद। तेनु की लगता है कि वो तुझसे मिलेगा तो लड्डू बरसाएगा? यारा उस कमीने नु अपनी फैमिली से घिनाती है। अपनी फैमिली से किन? क्यों? क्या हुआ बताता हूँ तुझे। गुरदासपुर दे लायन दा राज, रावत और जोशी, कैफे कोहिनूर इंटरनेशनल। और कुमार, तुम कल से गुड़गांव में गुप्ता एंड सन्स की फैक्ट्री में जाओगे। चड्डा और दिलशेर, तुम्हारी ड्यूटी एम्पायर टीवी म्यूजिक ऑडिशंस में है। चलो निकलो। जी सर,
KSIL ग्रुप सर, पहुंच जाऊंगा सर 11 बजे। जी सर, नमस्ते सर, कल का ड्यूटी लग रही KSIL ग्रुप में, ठीक है, शाम को मिलता हूँ, ठीक है, बॉस ने बुलाया है, चलो। सुनिए भाई, आप बोल। खुशी गाड़ ला ना कि कल कल आप दी जगह मैं चला जाऊँ, KSIL ग्रुप है। एक बात बता सारे, जब भी ये KSIL ग्रुप की पोस्टिंग की बात आती है तो इतना उछलने क्यों लगता है? नहीं, क्या बात कर रहे हैं भाई, अबे KSIL ग्रुप है, कोई हलवा नहीं है जो सब में बटेगा, मैं फुल एक्सपीरियंस बंदों को भेजा जाता है, हरांडू पांडू को नहीं, समझ में आई? चल निकल ले, बेंच पे बैठ के बोरियत होती है इसे। क्या रहा है यहाँ पर? यादव को आना था ना? यादव हॉस्पिटल में है जी। क्यों? कल रात किसी ने उस पर अटैक कर दिया, पता नहीं, कह रहे हैं कुछ जाटों और गुजरों का पंगा है, तो बॉस ने मैनू भेज दिया जी। सुन, सिकंद साहब बहुत बड़े आदमी हैं, गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे। हाँ जी, चलो सर आ गए। उन्हें समझाओ, नेगोशिएशन आज नहीं हो सकती, वो मेरे लिए कम करते हैं, मैं उनके लिए नहीं। पापा, नए होटल की लॉबी के लिए मैंने कुछ डिजाइन्स फाइनल किए हैं, दिस विल ब्लो योर माइंड, इट्स गॉट अ होल जापानीज मिनिमलिस्ट थिंग हैपनिंग, इट्स वेरी क्लासी, जस्ट टेक अ लुक। यहाँ हमारे सेंट्रल पार्क कंस्ट्रक्शन बंद पड़ा है और इन्हें होटल की लॉबी की पड़ी है। सॉरी अजमानी जी। जी सर। और आज शाम की मीटिंग रीशेड्यूल करवाइए, तुलसी राम का इशू आज ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। पापा, आई कैन डू दिस, आप जाकर मिलिए मिनिस्टर से, मैं लेबर को संभाल लूंगा, आई कैन हैंडल इट, ट्रस्ट मी। फिर जाइए आप इनके साथ। बढ़िया जी, चले अजमानी जी, चलते। नॉयन की जगह मेमने को भेजा है। मिस्टर राम, 10% नहीं हो सकता, नामुमकिन है, सबसे ज्यादा हम 5% कर सकते हैं बस। तो फिर ठीक है, तब तक काम बंद ही रहेगा। आप ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं? पिछले साल ही आप सबको पेराइज मिला था ना, अब हर साल मिलेगा क्या? आज भी हमें इतना नहीं मिलता कि हम आराम से दो वक्त की रोटी खा सकें। Oh, come on, please. Don't give me this ghisi-piti nonsense, okay? Everyone understands what this is actually about. अजमानी जी? जी सर। चेकबुक दीजिए। पर सर। अजमानी चुप रहो। Tell me, what do you want on top? तुमको कितना चाहिए? बोलो। What do you mean? तुलसी, मैं बात बात करके आता हूँ। तुलसी जी, तो अपनी मंजिल तक तो पहुंच गए तुम? पहुंचे या कितने जी? पर आप पहुंचा सकते हो। मैं कैसे पहुंचा सकता हूँ? देखो, ठीक है,
सर 7% पे मान गए जी। व्हाट? हाँ जी, बस उनका एक काम है जो करवाना पड़ेगा और कल तो कंस्ट्रक्शन शुरू जी। तुमको उनसे बात करने की परमिशन किसने दी? तुलसीराम का ऐसा कौन सा काम है जो तू करवाना चाहता है बता। वो तो मैं सिर्फ गुरु सर को ही बताऊंगा जी। व्हाट? चेकबुक सबके सामने? पापा, इट सीम लाइक द मोस्ट ऑब्वियस थिंग टू डू। क्या फायदा हुआ ये एमबीए एमबीए करने का? सर वैसे बिगड़ी बात अब भी संभल सकती है जी। तुलसी जी के दो बेटे हैं जी कॉलेज में, उनका किसी चंगे एमबीए इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाना है जी। पापा, आई एम ऑन इट। मैं अभी एजुकेशन मिनिस्टर के पीए से बात करता हूँ, आई विल हैंडल इट। माफ करिए सर, पर ये काम तो आपके पापा के एक फोन से भी हो जाना है। बीएम कॉलेज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से हैं। अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है? बहुत कुछ जानते हो मेरे बारे में। सर मैं है क्या? सर वही पंजाबी गाने हैं जिहड़े तुसी गुरदासपुर च सुनिया करदे सी। सर मैं ताडे पिंड तों हां जी, गुरदासपुरों। 11 साल पहला तुसी मेरे जिंदगी दा सब तो बड़ा सबक दिता सी। एक पेन दिता सी। सर तुहानू याद आया ना? तो तैनू भुलिया हाँ, ना इस पेन नू। हाँ पर तू इन्ना वड्डा हो गया, पहचान नहीं सका मैं तैनू यार। मैंने आपके सारी इंटरव्यू पढ़ी हैं जी। दिल्ली में सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। पहला 3 महीने आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे चक्कर लगाता रहा, फिर वहां गल नहीं बनी तो ये सिक्योरिटी कंपनी ज्वाइन कर ली जी। ये सब कुछ ताकि आपसे एक बारी मिल सकूं। अजमानी जी आओ, ये तुलसी राम का कम करवा दीजिए, इसे ले जाइए साथ। आज जो काम शुरू किया है उसे जाके खत्म करो और कल तो आ जाओ ऑफिस। ऑफिस जी? थैंक यू सर। आज तुम्हारे नए काम का सिकंद सर ने आपके लिए कुछ पटाखे भेजे हैं जी। पूरे तो है ना? हाँ, बिना वस्तुल से जी। हैं? ठीक है, ठीक है, ओके जी। शेर के आने से आज सालों बाद इस घर में म्यूजिक गूंज रहा है। लगता है गुरदासपुर दिल्ली आ गया।
तूने वो पंजाबी गानों की सीरीज देखी है जो मैं हर सुबह सुनता हूँ? वो ये क्या कर रहा है? वो सुबह सुबह किधर जा रहा है? मामा निकल भाई, बहुत बड़ी नौकरी मिली है। ओए वेल डन जा रहा, कहाँ? दुबई। नौकरी पे रखा है, गोद नहीं लिया है, समझे? क्या हो गया? पापा, मैं आज साइट पे गया था, वहां देखा तो इसका सारा सामान पड़ा हुआ है। He just moved in there without even asking us. और मैंने पूछा तो कहता है कि मैंने तुलसी से परमिशन ले ली है। Who the hell is he to allow him? माफ करियो सर, गलती मेरी है, पर मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया जी। किसने निकाला? मेरे मुंह बोले मामा रहते हैं जी यहाँ, HP मेहता। HP मेहता? तू उस आदमी के साथ रह रहा था? आप जानते हो जी इनको? क्या करता सर, गुरदासपुरों दिल्ली आया तो किसी को जानता ही नहीं था, कल्ला था जी बिल्कुल। सर मैंने जैसे ही उनको बताया कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूं तो गुस्से हो गए जी, और फिर सर बस एक दो दिनों की गल है, फिर मैं अपना ठिकाना ढूंढ लूंगा जी। व्हाट, एक दो दिन? तुम आज ही वहां से निकलोगे? सही बात है अजमानी जी। जी दिलशेर के लिए स्टेट में एक कमरा साफ करवा दीजिए। सर स्टेट में क्या जरूरत है, घर की जगह मैं इसके लिए कुछ और जुगाड़ कर लूंगा। आपके बगल वाला कमरा ठीक रहेगा जी। बढ़िया। हाँ, बढ़िया जी। थैंक यू जी। अंदर क्या कर रहा था? कर पढ़ाई के हैंड बनाया है। आए, नौकर है नौकर की तरह रहा कर, समझा? एक बात बता, गेम क्या है तेरा? सेवा करनी चाहता हूँ गुरु ताय जी की, बस। सेवा का मेवा हमें ना खिलाइयो, समझा? कोई बात तो है।
यादव से मिला था मैं आज अस्पताल में। किसी ने उसे पैसे भेजे थे इसी बैग में, उसे ही नहीं पता है? और मुझे पता है, जिसने उसके पिटाई की है ना, उसी ने भेजा होगा। उसी के अंतरात्मा ने उसे कहा होगा कि जा पैसा दे के आ, चला जा, तुझे मैं तेरा कमरा दिखाता हूँ, आ जा। हाँ जी। ए, आगे मत जाइयो, हमेशा मेरे पीछे रहियो। Follow me, always follow me। कल से तेरी ड्यूटी सूर्या सर के साथ है, समझे? Amira. Hanging in there. You know, I've been meaning to call you. Agar tumhare paas thoda free time ho to maybe we can do dinner. Just you and me. Surya, now's not a good time. Okay. Some coffee then? Who's that? वो दिलशेर पिछले 6 महीनों से हमारे स्टेट में रह रहा है। ये वो सब करता है जो मेरे पापा करते हैं। You know, he tries to walk like him, he tries to act like him, he tries to be him. सिर्फ एक चीज नहीं कर पाता ये। He can't talk like him. सूर्या, that was really mean. अगर इतनी प्रॉब्लम है तो उसे लाए क्यों यहाँ? ताकि इस पेंडू को इसकी जगह दिखा सके। Can't stand him. Anyways, I heard about Dhruv Tara. मैं भी आऊंगा। सूर्या, ध्रुव तारा उन लोगों के लिए है जो ध्रुव और मेरे दोस्त थे। Hi, Dilshir. You have a good evening, okay?
आप वहां क्या कर रही हो जी? हेलो, दीपा जी, वेलकम टू माय हम्बल अबोर्ड. हाय. हेलो जी. The sound of music. Sing, hero, sing. नहीं जी, actually interest नहीं है ना गाने वाने में कोई. हाँ जी. Oh my God, मुझे पता है तुम्हारा क्यों. हाँ? ध्रुव तारा. हैं? ध्रुव तारा. मेरे साथ चलो ध्रुव तारा. ध्रुव तारा ध्रुव के लिए है क्योंकि ध्रुव चला गया. किधर गया जी? मिलिया जी ध्रुव? नहीं, पर तुम मिल गए. दीपा जी, आप बिना सीधी बात नहीं होती आपसे. एक है दीपा जी, ध्रुव तारा है कितने? सांबर. हाँ? पर पर सूर्या जी, तो दिलशेर है ना? हाँ जी. चला जा सिकंदर के घर से. क्यों? मैं बताता हूँ. जमानी जी, ऑमलेट होने से बच रहा. गोल पोस्ट खेल रहा है. ताए जी, ढीला गोल पोस्ट. आजा भाई, अब नहीं जाने देना ताए जी. अच्छा देखो, चल उतरी. ओए आया जी, गोल नहीं जाने देना मैंने. आज के लिए बहुत हुआ. बढ़िया जी. क्या बात है ताए जी, टच नहीं खोया अभी तक आपने. जा. वैजा, हाकी वाला आइडिया बड़ा सही सी जी. साल बाद पिंड की याद ताजा होगी यार. तेरा चेहरा देख के तो मुझे चिंता हो रही है पुत्र. कुछ नहीं है जी, बस जरा सी सट है. चिंता दी कोई गल नहीं है जी. तो चिंता तेरी नहीं, उसकी हो रही है जिसने तेरा हाल किया है. पंजाबी खून है तेरा, मेरी तरह दुश्मन को इतनी आसानी से तो छड़ेगा नहीं. चाहे जो भी हो, छड़ना नहीं. लान और गुरदासपुर का हाथ तेरे सर पे है. ताया जी, कल दी छुट्टी मिल सकती है? क्यों, कल क्या? एक दोस्त ने स्पेशल इनवाइट भेजा जी, कोई जश्न है ध्रुव तारा. गोवा? एक मिनट. विजय,
ध्रुव तारा यही है? हाँ, किसे मिला आपको? अमीरा। अमीरा? हेलो जी। कोई नहीं जी, आपसे मिलने आया था, खालिया थोड़ी ना आता। आप भूल गए जी मैनू? सॉरी जी, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं रुको, आई एम सॉरी। तुम्हारा नाम? दिलशेर। ओके दिलशेर, हाय। मैं ना उस रात थोड़ा, एनीवे, वेलकम टू ध्रुव तारा। ए ध्रुव तारा है क्या जी? ध्रुव मेरा भाई था, ही पास्ड अवे। हम सब इसी के लिए आए हैं यहाँ, और अब तुम भी। कम ऑन। गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग सो फार टू सेलिब्रेट ध्रुव्स बर्थडे। हैप्पी बर्थडे ध्रुव। हैप्पी बर्थडे ध्रुव। Dum 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 d
नात नात की रात रतीली मरहब मेला मंजर फिर कुछ होया छोड़ दिया छड़ो जी बड़ी पुरानी बात है की फर्क पैंदा है लगता है अभी भी फर्क पड़ता है भोलेनाथ का प्रसाद इसे पियो और सब कुछ भूल जाओ आप ये पी के सब कुछ भूल गई है चलो सब निकल रहे हैं दिलशेर कहाँ है वो तो चला गया शेर इतनी जल्दी पीछा नहीं छुड़ा पाओगे तुम पता है जब तुम गा रहे थे ऐसे लग रहा था कि जैसे तुम रब से जुड़े हुए थे बीबा जी प्लीज
कल रात जो भी हुआ ना बकवास था, गलती थी, ठीक है हम छोड़ दो प्लीज। और मैं यहाँ आपसे कोई दोस्ती करने नहीं आया था, मैं यहाँ मैं आया था सूर्या जी को सबक सिखाने। और नाले मैं आपके उन सारे दोस्तों जैसा नहीं हूँ, मैं ये गाजे बाजे से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरी दुनिया ही नहीं है, ठीक है। जानते हो जब तुम गाते हो तुम हकलाते नहीं हो, शायद तुम्हारी जुबान तुम्हें कुछ बताना चाह रही है और तुम नहीं सुन रहे हो। Pet dog, Dilsher. Come on, Surya. बचपन से आज तक I told myself that my father is a cold, unloving man. मुझसे प्यार नहीं करते, किसी से प्यार नहीं करते. पर वो पेंडू जो भी वो कहता है, करता है, पापा glows every time he's with him. It's like he's got sunshine coming out of his ass. Language. Whatever. What is so wrong with me? Am I not good enough? You're perfect. Really? Then why doesn't he love me? It has nothing to do with you. Does it have something to do with you? Because he doesn't seem to love you either. तुम मेरे पास में हमेशा रोते हुए क्यों चले आते हो? इसे रख लो, उसे निकाल दो, ये अच्छा है वो बुरा है, खुद क्यों नहीं संभाले थे? इसीलिए तुम्हारे पापा तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाते। सिकंद बनो, कब बनोगे? He has to go. कौन? वो लड़का तुम्हारा चमचा। क्यों? वो सूर्या को पसंद नहीं। तुम्हारे बेटे से दोस्ती करने नहीं आया वो, यहाँ कम करने आया है।
इज दैट जो गुरु? मैं जानती हूं तुम्हारा कौन सा काम कर रहा है, सूर्या को इरिटेट करने का काम। तुम्हारे बेटे को इरिटेट करने के लिए मुझे किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है। मेरे काम में इंटरफेयर करना बंद कर दो मैंडी। तुम्हारे कहने पे तुम्हारे बेटे को कंपनी का डायरेक्टर बनाया, लेकिन जब से दिलशेर आया है सारा काम तो दिलशेर ही संभाल रहा है। तुम्हारे बेटे ने क्या उखाड़ लिया? We both know this is not about business, Guru. When will you stop playing these games with me? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। जरा जोर से दबाना, सर को पिटना बहुत अच्छा लगता है। एक चेयर और लगाओ। किसके लिए? वेलकम दिलशेरा। सतिकाल जी बैठ जा पुत्र, एक प्लेट लगाओ साहब के लिए। पुत्र। हाँ जी ताया जी। वो होटल लॉन्च में हमारे जापानी पार्टनरों के लिए वेलकम अरेंजमेंट? नहीं बस पानी हो रहा है जी, सब चल रहा है ठीक ताया जी। होटल लॉन्च तो सूर्या का इवेंट है ना, इसमें ये क्या करेगा? तू कदों इंटरेस्ट लैंड लगी कम दिया डिटेलां च। वाइन प्लीज। मैं चाहती हूं कि सूर्या ही सारी डिटेल संभाले। ओए मैंडी डोंट बी। मैं डिबेट नहीं कर रही हूं, मैं अपना फैसला सुना रही हूं। कम के मामले में फैसले मैं करता हूं, तू नहीं। कोई नहीं ताई जी, रहन दो। ताई जी दी खुशी सराखों पे जी, माँ जैसी ही है मेरी। मैं ताई नहीं हूं तुम्हारी, ना ही माँ हूं। मंदरा तुम्हें कुछ भी बुलाए, मेरा कुछ नहीं लगता ये। देखो जी, मेरी वजह से गुस्सा ना करो। आप जो भी कहो जी, क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है, मुझे मैडम सुनने की आदत है। एक बात ये जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। सूर्य के साथ बैठकर डिनर करने से ये सूर्य नहीं हो जाएगा। तुम्हें जितने पटाखे डिलीवर करवाने हैं करवाओ। डिलीवरी बॉय और मालिक का फर्क इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। डिलीवरी बॉय भी मालिक बन सकता है। तुम्हारे पापा, उनके साथ मेरी शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी, पर मुझ में आग थी, पैशन था, विच इज वाई ही चोज मी फॉर हिज बिजनेस एंड फॉर यू। ये बात कभी भूलना नहीं। मैं कैसे भूल सकती हूँ गुरचरण? दुनिया के लिए भले ही तुम लायन ऑफ गुरदासपुर हो, पर मेरे लिए तो अब भी डैड के डिलीवरी बॉय ही हो। चाहे तुम जितना भी छिपा लो, रहोगे तो तुम पेंडू के पेंडू ही, इसी की तरह। वाटर प्लीज। जी आपके इस प्यार के लिए जान भी दे सकता हूँ जी, सच्ची।
पर मेरी वजह से आप सब में एक कड़वाहट आए, मैं ही नहीं देख सकता जी। सॉरी जी, वैसे तो तुम में बहुत खामियां हैं गुरु, पर तुम्हारी सबसे बड़ी खामी शायद यही है कि तुम दुनिया के सबसे गैर जिम्मेदार बाप हो। बोल लिया जो बोलना है। अब सुन, होटल लॉन्च के सारे अरेंजमेंट दिलशेर देखेगा, एंड दैट इज माय फाइनल डिसीजन। कोई मिलने आया आपसे? कौन? नाम नहीं बताया, कहा गुरदासपुर से है, अर्जेंट मिलना है। जानिया नहीं मैं कहने पिंडो जी। जब मैं 8 साल का था तो मैंने एक जिद पकड़ ली थी कि मुझे मेरे बर्थडे पर एक डॉग चाहिए। मॉम मेरी किसी बात को मना नहीं करती थी, सो शी ब्रॉट मी दिस लिटिल पप। दिलशेर, ही वाज द क्यूटेस्ट डॉग एवर, द बेस्ट गिफ्ट आई कुड आस्क फॉर, अंटिल वो मेरे पापा का फेवरेट बन गया। जैसे वो घर आते, वो उनकी गोद में जाकर बैठ जाता था। धीरे धीरे मुझे इरिटेशन होने लगी, आई स्टार्टेड टू हेट हिम। तो मैंने अपना क्रिकेट बैट लिया एंड आई डिसाइडेड टू स्मैश हिज ब्रेन्स आउट। बट यू नो व्हाट द फनीस्ट थिंग वाज, इससे पहले कि मैं कुछ कर सकता, बेचारा लियो मॉम की गाड़ी के नीचे आकर मर गया।
Isn't she a darling? आखिरी बार कह रहा हूं दिलशेर, वापस चले जा। है तेरा बाप तुझे पसंद क्यों नहीं करता? क्योंकि तुझ में उनके जैसा कुछ भी नहीं है। वो लायन है, लायन, और तू, तुझे तो कुत्ते से भी जलन होती है। मैंने कभी उन्हें तुझसे छीनने की कोशिश नहीं की, मुझे तो बस बहाना बनाया तूने अपने नाकामी का। अब मैं उनका वो बेटा बन के दिखाऊंगा जो वो हमेशा चाहते थे। तुझे जो उखाड़ना है ना, उखाड़ ले, उखाड़।
मैं दिलशेर को फायर कर रहा हूँ। कल रात उसने मेरे कमरे में आकर मेरी बेइज्जती की, कहा कि मैं आपके बेटे होने के लायक ही नहीं हूँ। गुंडे आपने भिजवाए, पिटवाया उसे आपने, और अब कंप्लेंट भी आप ही करने आए हो। उस बेचारे ने तो अपना मुंह भी नहीं खोला। उसके पीछे मैं नहीं था। तो आपकी माँ होंगी। यू नो पापा, अगर कल उसने मुझे मार भी दिया होता ना, यू वुड हैव स्टिल फाउंड अ रीजन टू जस्टिफाई इट। दिलशेर आखिर क्या करता है जो मैं नहीं कर पाता? प्लीज आज बता ही दीजिए, मुझ में गलती है क्या? आई स्वेयर आई विल चेंज माय सेल्फ, ताकि मुझे कभी तो लगे कि मेरे पापा मेरे साथ हैं। तुम हर वक्त मार खाए रहते हो। वाज इट सूर्या अगेन? यू नो, मुझे समझ में नहीं आती, अगर इतनी प्रॉब्लम है देन व्हाई आर यू देयर? छोड़ दो ना। चलो छोड़ो इन बातों को। अच्छा सच, मैं तो आपको बताना ही भूल गया क्या गाया था आपने उस दिन। सच्ची फैन ही हो गया जी मैं तो। वाओ, नाउ दैट कॉल्स फॉर अ ड्रिंक। बीबा जी प्लीज। व्हाट? नहीं प्लीज। ओके, आज सिर्फ तुम और मैं। ध्रुव को हुआ क्या था बीबा जी? सब कहते थे कि ध्रुव आउट ऑफ कंट्रोल है। उस दिन रात के 2-3 बजे वी वर ऑल पार्टीइंग एंड वी वर हैविंग सो मच फन। फिर अचानक आई नोटिस कि ध्रुव नजर नहीं आ रहा। ढूंढा तो पूल में मिला और उसके सिर से खून बह रहा था। He's already dead. जब पहली बार ध्रुव घर आया था ड्रंक आउट ऑफ हिज माइंड, आई शुड हैव स्टॉप्ड हिम। कब तक खुद को यूं सजा देते रहोगे? तुम भी खुद को सजा देते हो दुलशेर। किससे भाग रहे हो? जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई बाबा जी, बस करो, सुर छूट रहे हैं। नानक दस मुख ते जो बोले। देख शेरा, साडे लई ये सिर्फ एक संगीत नहीं, उस रब नाल जुड़न दा एक रास्ता है। पर बाबा जी, सब कहंदे ने जी थोड़ा बैरापन बढ़दा गया ता तुसी गा नहीं सकोगे।
प्लीज। चीयर्स। फोन इंसान मीट दिलशेर सिकंद द मैन हु मेड टुनाइट्स पार्टनर पॉसिबल। द फेमस लेट ट्विंस फ्रॉम फ्रांस आर परफॉर्मिंग टुनाइट। प्लीज एंजॉय। इन्हें हमारा स्टेज दिखाओ प्लीज प्लीज। What happened to you? बहुत साल गुजर गए ना। I'm glad. You could make it. Some champagne, please. ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारे दोस्त आ सकते हैं, मेरे नहीं। I want him out of here. खुद नहीं गया तो I will have him thrown out. सोच लो। सीन क्रिएट करोगे तो लोग क्या कहेंगे? लायन ऑफ गुरदासपुर के ये हाल। मुझे लगा था कि तुमने मुझे यहां अपनी पुरानी दोस्ती के लिए बुलाया है। अब समझा कि मुझे गुरु की मलाई में मक्खी के लिए बुलाया है। सही उल्लू बनाया तुमने। सूर्या जी, मैं जाने अनजाने में हमारे बीच किधर जा रहे हैं पुत्र? ताया जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ जी। मैं जो कोई राज नहीं रखना चाहता आपसे। एक्चुअली मैं कीड़ा राज ताया जी, मैं तू यादव दी टांग तोड़ी क्या है कि इस एचपी मेहते ने तुझे घर से बाहर निकाला ही नहीं था? हरप्रीते, को सब पता था जी? मैं तो तेरे बारे सब जानता। मैं तो ये जानना चाहता कि तू मेरे बारे कितना जानते हैं। नहीं ताया जी, तुसी चिंता ना करो। मेरे जुबान तो एक गल कदे निकल ही नहीं सकती जी कि एचपी मामा जी ही सूर्या जी के। चाहे कुछ हो जाए, भरोसा रखो जी मेरे ते। ओए, तुझ पे पूरा भरोसा है दिलशेरा। तू सोच भी नहीं सकता पुत्र कैसा महसूस होता है किसी और के बाप को हर रोज अपने घर पे देख के। जिस दिन तू आया सब बदल गया। पता नहीं क्या
पेन शेन लेके आया था, मैंने तो याद भी नहीं सी। पर उस पिल्ले के चेहरे ते जलन देख के मैं समझ गया कि मेरे काम के लिए तू परफेक्ट है और तू मेरी उम्मीद पे खरा उतरिया। और जिंदगी हराम कर देती तूने उस पिल्ले की, सारा एम्पायर मैं बनाया है और राजा वो बने। ऐसे एक बार मंदरा की बातों से घबरा के तू टिल्ला तो हो गया था, तुझे कसना भी पड़ा। तेनू पूल ते उस पिल्ले या उसकी मां ने नहीं पिटवाया, मैंने पिटवाया था। बुरा ना मन ली पुत्र, दिल तो मेरा भी दुखिया था पर की करता, जरूरी था। चल छड़, हुण दा तू सब जानता है, हुण आपां मिल के काम करांगे। अब तू देख कैसे मैं तुझे दिलशेर से लायन ऑफ गुरदासपुर बनांदा। तो बनना चाहता था मैं हमेशा से, पर फिर खुशी क्यों नहीं हो रही मुझे? खुद से खुद को रिहा दे, अपनी आवाज को जुबान दे। Oh,
जुबैर, मोहम्मद रफी, प्यो दा खून बोल ही उठया। मैं तुझे जनरल मैनेजर बना रहा हूं। मंदरा को बताऊंगा यही कीमत है तेरी जुबान की। जब भी वो तुझको देखेगी स्टेट में ऑफिस में, उसका दिल जलेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा जलता आया है उसके उस पिल्ले को देख के। मैं आपको अलविदा कहने आया हूं। आपने जो कुछ मेरे साथ किया मुझे कोई शिकायत नहीं है, पर अपने बीवी बेटे से इतनी नफरत, तुसी थक नहीं गए ताया जी? हराम जादे, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुझसे ऐसे बात करने की? मेरे सारे एहसान भूल गया तू? बहुत एहसान है जी आपके मुझ पे, और उन सब के बदले मैं बस एक कोई चीज दे सकता हूं आपको, माफी। What's going on? जाओ यहां से सूर्या। सूर्या जी आपको कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो मैं कहना चाहता हूं आपके सामने ही कहना चाहता हूं। मॉम समझते क्यों? आप बहुत किस्मत वाले हो सूर्या जी कि आप आपको ऐसी मां मिली है। बड़ा प्यार करती हैं आपको ताई जी, इतना ज्यादा कि मां और बाप दोनों के हिस्से का प्यार अकेले देती हैं। परिवार आप ही का था और हमेशा आप ही का रहना। पता है तू की सोचती पई है, विश्वास करी मां मैं बन गया सी लॉयन शेर, दिल दिल शेर। पर जब मैं मंजिल ते पहुंचे मैं जाने कि
रास्ता मेरा सिगा ही नहीं, मेरी मंजिल था वो सी जिस तो मैं बचपन तो पजदा गया है। मां मेरी आंखा च देख जो पहला सी वो खत्म हो गया है, ये नवी शुरुआत है। बीबा जी, कभी कभी इंसान घुटनों के बल गिर के ही अपने पैरों पे खड़ा हो पाता है। गुरुताय जी ने मुझे कानून की बेड़ियों से जकड़ दिया, कुछ मेरे अपने गुनाहों के लिए और कुछ उनके। बीबा जी, जेल में रह के मैंने बहुत बार सोचा कि आपको खत लिखूं, पर हर बार हिम्मत फेल हो गई। फिर मैंने फैसला किया कि अब मैं आपको तभी लिखूंगा जब मैं आजाद हो जाऊंगा। आजाद खुद से, आजाद उन बेड़ियों से जिन्हें जाने अनजाने में मैंने खुद ही पे बांधे हुए थे, आजाद दिलशेर से। हरप्रीत से दिलशेर बनने की दौड़ में मैंने कई ऐसे काम किए जो शायद मुझे नहीं करने चाहिए थे। लगा आपसे कुछ कहता उससे पहले थोड़ी बातें मैं खुद से कर लूं, खुद को पहचान लूं। इस दौरान मुझे सोचने का बहुत टाइम मिला और मुझे समझ आया कि मेरा सही रास्ता वो ही है जो मेरे बाबा जी का था, म्यूजिक का रास्ता, रब का रास्ता। जिंदगी भर मैं अपने बाबा जी को ढूंढता रहा, पर वो तो हमेशा वहीं थे, मुझ में, मेरी आवाज में, मेरी रूह में। वो तो हमेशा से यहीं थे जी, पर ऐसा किया तो समझा कि आप बिल्कुल सही थी जी। गाने लगा तो जुबान भी साफ हो गई। अभी भी कभी कभी अटक जाता हूं, पर बीबा जी अब रुकूंगा नहीं, आपकी बड़ी याद आती है जी। शायद हम पहली बार अगर अब मिलते ना तो क्या जोड़ी बनती जी हमारी, सच्ची। मैं वो बन गया हूं जो आप हमेशा से चाहती थी, मैं बन गया हूं मैं। उठो साज उठाओ यारो, रूहानू सुर करिए, ढोंगी चुप चो बोल उठाइए, तारा तारा पड़ी लकड़ी की आंधी होए मुंडिया, की कहंदी है खलड़ी, पुछ सारंगी नू सीने लाके, तू की कहनी है अड़ी।
केंदे सारंगिया दे तार की आंखें तुम्बे दी ढुलकार की बोले चिमटे आदि खड़कार की केंदी टोला दी टमकार जी आज सानू मिले आ जी आज सानू मिले आ ओ मिले आ ओ मिले आ जी मैं तर्त नू बीच पिजानू फुल फुलानू त्रेन त्रेन नू किरन किरन नू रंग रंग नू नैन नैन नू ख्वाब जी आज सानू मिले आ जी आज सानू मिले आ ਕਸੀਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾ ਲੱਖ ਅਸੀਸਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਸਾਜ ਬਣਾਇਆ साजी साज नवाजी मैं तेरी सारंगी हो मैं तेरी सारंगी जेना तेरे सीने लगा हो जानी आ गूंगी हो जानी आ गूंगी तेरी वेदन मेरे दिल चो दरबा बड़ बड़ गंगी अज सानू मिलिया हाँ जी अज सानू मिलिया Hey!
पहर का ध्रुव तारा, तिसे पहर का ध्रुव तारा, एक शहर का खोया बादशाह है। सुन 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 जान से रोशनी धूप की जुबान है। दम 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 तक दम 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 dam 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 dakak dam 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 dakak dam 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 dakak dam dam Hey! Dum 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 d